गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बजे गए 9:30 और मैं काफी पहले से उठी हूँ। मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया और आधा सफाई हो गया हुआ है, आधा रहता है। तो चलिए चुनमुनू को देखते हैं। चुनमुनू को मैंने बाहर छोड़ दिया था पिंजरे से, अब देखते हो क्या कर रहे। और वो क्या कहते हैं, वाटरमेलन गाइस इतना प्यार से खाते हैं ना, इतना ज्यादा कुछ 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 करके खाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैं ढूंढ रही थी ये कहाँ पर है। ये देखिए टीवी के जो नीचे है ना, जो ये लकड़ का जो बना हुआ है उसके नीचे, ये देखिए सो रहे हैं, कितने प्यार से सो रहे हैं ना। सो नहीं रहे, लेटे हुए। ये देखिए अब इनको मैं वाटरमेलन दे दूंगी ना गाइस, इतना प्यार से खाएंगे ना, तो आपको दिखाते हो। अभी फटाफट निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे जैसे कभी कुछ खाए नहीं हुआ, कुछ 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 कुछ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये खाते हैं। ये देखिए गाइस, जैसे कि मैंने वाटरमेलन लेके आई हूँ, ये देखिए अब इनको पता लग रहा है। ये देखिए देखिए, इधर देखो, इधर इसको तो, ये देखो ये देखिए गाइस कैसे खाते हैं ये वाटरमेलन, कैसे ज्यादा। मैं अपने इधर बिठा लेती हूँ, रुक जो फिर इनको खिलाते। इधर बैठ के खा, बैठ के बैठ के खा, बैठ ही नहीं रहे। ये ले ये डर जाता गाइस, ये डर जाता है। ये वाला मुंडू वाला खाला बुत्तू खाला, उसको लग रहा है कि मैं बात कर रही हूँ तो ये घबरा जाते हैं। ये देखिए चुपचाप, मैं अभी देखती हूँ। अभी इसको उठा लिया ना, उसका करके डर गया। ये सारे डर जाते जब मैं बोलती हूँ तो। तो चलिए मैं चुपचाप उसको देती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ, खा लेना आपने अभी। ये देखिए गाइस, मैं अब पिंजरे में उनको कर दिया तो अब खा रहे, बाहर नहीं खा रहे थे। ये देखिए वाटरमेलन खा रहे, अब पिंजरा खोलूंगी फिर इनको डर लग जाता है। ये देखिए अब कैसे खा रहे, ये देखिए वाटरमेलन बढ़िया खा रहे। इसको मैं वो कर देती, जैसे कि गाइस चुनमुनों को खाने दे देते हैं। ये देखिए अब खा रहे, अब बंद गोभी भी खा रहे और वाटरमेलन भी खा रहे। जैसे मैं फटाफट काम कर लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलूंगी गाइस। गाइस जैसे कि मैंने घर का काम सारा कर लिया हुआ है और मैंने नहा भी लिया है और मैं आज अपना फेस का कुछ करने लगी हूँ और आपसे टिप शेयर भी करने लगी हूँ और बहुत बढ़िया मैं पैक बनाने लगी हूँ, फेस पैक। और मैंने बोला काफी दिनों से मैंने फेस में कुछ किया नहीं है, तो इस बहाने कर भी हो जाएगा, आपसे आपको शेयर कर भी दूंगी। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ किस चीज से मैं फेस पैक बना रही हूँ। तो चलिए गाइस, जैसे कि मैं आ गई हूँ, देखिए मेरे हाथ में खीरा। आज खीरे से बनाऊंगी फेस पैक। और खीरे में गाइस होता विटामिन सी और ये हमारे जो डार्क सर्कल होते हैं आईज के नीचे, तो ये दूर करता है और हमारे स्किन को ग्लो करता है। तो आज हम इसका बनाएंगे फेस पैक। और दूसरा हम लेंगे गाइस जैसे कि हमने एक एलोवेरा जेल लिया है, ये हमारे ड्राई स्किन को बहुत बेनिफिट है। और जैसे हमारा पिंपल्स आने लग पड़ते हैं, जैसे गर्मी का मौसम है, ये खारिश होने लग पड़ता है हमारा फेस, ये रोकता है गाइस की, क्योंकि ये एलोवेरा जेल ठंडा होता है, आपको भी पता ही है कितना अच्छा है ये। अब हम दूसरा चीज दिखाएंगे आपको हम क्या पैक में डालेंगे गाइस। ये हमारा तीसरा चीज है, नीम पैक है, ये बहुत ही अच्छा है नीम पैक। जैसे हमारा झुर्रियां आते हैं उसको खत्म करता है, जैसे हमारे पिंपल्स आते हैं जो हमारे दाग रह जाते हैं उसको, दाग को खत्म करता है ये नीम पैक लगाने से। और बहुत ही बेनिफिट है ये नीम पैक, आप जरूर लगाना। तो ये तीनों चीजों से गाइस आज हम बनाएंगे फेस पैक। तो चलिए मैं मिक्स करती हूँ, कैसे कितना कितना मिक्स करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं कद्दूकस करना है, ऐसे छिलके समेत ही हमने कद्दूकस करना है खीरा को। तो चलिए गाइस मैं कद्दूकस करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने ऐसे कद्दूकस कर लिया हुआ है, आप भी ऐसे कद्दूकस कर सकते हो। और जैसे कि गाइस इसका आपने रस डालना है तो रस डाल सकते हो, इसका पूरा ये डालना तो आप ये डाल सकते हो। रस डालना तो आपने ऐसे कर लेना, निचोड़ लेना कोई कपड़ा के तो छाननी से। ये देखिए मैं सोच रही हूँ कि ये सारा ऐसे थोड़ी सी रस थोड़ी सी ये डाल दूं। तो ये देखिए मैंने डाल दिया गाइस रस भी। तो अब मैं डालूंगी गाइस, अब गाइस मैं नीम पैक डालूंगी। ये देखिए एक चम्मच डाल लिया मैंने, थोड़ी सी और डाल दूंगी, दो चम्मच डाल देते हैं, छोटे छोटे तो हैं। ये देखिए डाल लिए, अब इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी एलोवेरा जेल। ठीक है, ये देखिए एलोवेरा जेल, ये देखिए डल गया। ये तीनों चीज बहुत ही बढ़िया है, इसको अब हम मिक्स करेंगे हल्का हल्का ऐसे करके। चलो मैं मिक्स कर लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस मिक्स कर लिया मैंने, थोड़ा सा और डाल लिया था क्योंकि ज्यादा पतला हो गया था,
ये मतलब ये मत सोचना कि ये खीरा डाला एलोवेरा जेल है तो ये मतलब उसके जैसा कलर होगा। तो ये देखिएगा इसे उस करके ये ऐसा कलर हुआ, मिट्टी कलर। तो चलिए अब हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं फेस पर। ये देखिए गाइस, जैसे कि मैं आ गई हूं, अब मैं अपने जो बाल मैंने हेयर कट किया था, ये छोटे छोटे बहुत तंग करते यार, इसको मैं क्लचर कर लूंगी और मैं अपने पैक को लगाऊंगी, फेस पैक, खीरे और एलोवेरा जेल। ये देखिए लुक, वाओ, नेम पैक। ये देखिए सारा, आपने ऐसे कॉली उठा लेना अपने हाथ में, जैसे मर्जी आप लगा सकते हो। ये देखिए सारा ऐसे लगाना। ये हमारे, हम यहाँ पर ये जो खीरे से गए से हमारे आईज के नीचे जो ब्लैक होते हैं ये सारा सही हो जाता है। ये देखिए सारा ऐसे लगा लेना आपने, बहुत ही अच्छा पैक है ये फेस पैक। ये देखिए सारा आपने ऐसे लगा लेना, ठीक है। चलिए गई, सारा मैं ऐसे लगा लेती हूँ सारा फेस पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ। ये देखिए गई, सारा आपने ऐसे फेस पर लगा लेना, आईज के नीचे भी, आईज के ऊपर भी आपने लगा लेना है। ये देखिए, इसलिए हम आईज के ऊपर, आईज के नीचे लगाते, जो हमारे ब्लैक ब्लैक हो जाते ये हमारे खीरे से दूर होगा ब्लैक, है ना। तो इस करके जो झुर्रियां होते हैं ये सारा खत्म होगा हमारे। ऐसे नहीं कि एक बार ही लगाने से खत्म होगा, हफ्ते में आप 2 बार ही जरूर लगाना ये पैक, फिर ही आपको असर दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। तो आप बोलोगे मैम आप एक बार ही लगा के मतलब कुछ हुआ नहीं, फिर भी काफी फर्क पड़ता है ऐसे एक बार ही लगाने से। तो गाइस जैसे कि मैंने, मेरा लग गया है, ये देखिए मेरा इतना बच भी गया हुआ है ये देखिए। और इसको मैं हाथ में लगा लूंगी और अपने नेक में लगा लूंगी, बैग में लगा लूंगी, जितना भी मेरे से लगेगा। तो चलिए गाइस, अभी इसको हमने पैक को हमने 20 मिनट रखना है जब तक ये ड्राई नहीं होता है। तो 20 मिनट के बाद मैं आपको मिलूंगी और मैं कितनी डरावनी लग रही हूँ ये देखिए, वो लग रही हो ना भूत। तो ये देखिए ऐसे अपने सारा फेस पर लगा लेना। ये देखिए इधर भी पूरा लग गया हुआ है ना, इधर भी देखिए पूरा लगा हुआ, आपने ऐसे लगाना है। तो चलिए मैं 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलूंगी गाइस। ये देखिए गाइस मेरा ये सूख गया हुआ है ये देखिए, और मेरे से बिल्कुल बोल नहीं हो रहा क्योंकि मैं हल्का हल्का बोल रही हूँ, ज्यादा बोलो तो झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो ये थोड़ी सी रहता है, अभी 2 मिनट मेरे रहते हैं, 2 मिनट में ये भी सूख जाएंगे, मेरे 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपने हल्के हल्के हाथों से इसका मसाज करना, गिल्ला करके, और ठंडा पानी, गर्म पानी जैसे नो ना हो, ठंडा पानी फ्रीज से निकाल के उससे हल्का 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 ऐसे थोड़ी मसाज कर लेना सारे ऐसे करके, तो फिर इसको वॉश कर देना। तो चलिए मैं थोड़ी देर और रखती हूँ, उसके बाद मैं वॉश करके मैं आपसे मिलूंगी गाइस। तो चलिए ये देखिए गाइस, मैंने फेस को धो लिया हुआ है और कितना बढ़िया यार रिजल्ट आया हुआ है। ये देखिए आप दिख रहे हो कितना मेरा फेस शाइन कर रहा है और ग्लो कर रहा है। और यार ये 3 चीजों से हुआ, पैक है और एलोवेरा जेल और खीरा, ये सभी के घर में होता है यार। गर्मियों का पैक, फेस पैक इतना बढ़िया रिजल्ट है ना, और आप हफ्ते में 2 बार तो आपने लगाना ही लगाना है। जैसे गर्मियों में पिंपल्स भी होते हैं और हम एज के अकॉर्डिंग बुढ़ापे में आने लग पड़ते, झुर्रियां होने लग पड़ते हैं ना, तो वो भी कम होगा, आपका फेस टाइटिंग भी होगा, ग्लो भी होगा। और जैसे आपके स्किन में जब बाहर जाते हो खारिश होने लग पड़ती है मिट्टी करके, डस्ट करके, फिर भी आप फेस कवर करते हो तब भी फिर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ये 3 चीज आप लगा के मिक्स करके आप पैक बनाइए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है यार, ऑसम है। और मैं गई ज्यादातर तो मैं अपने आप ही घर के सामानों से अपना फेस को मतलब फेस में अप्लाई करती हूँ, बाहर का मैं कुछ नहीं लगाती, बहुत ही कम लगाती हूँ। मतलब मैं ज्यादातर घर के ही मतलब बना के और लगाती हूँ, शुरू से मैं ऐसे लगाती हूँ। मेरी दादी ने मुझे मतलब ऐसे चीज वगैरह पहले से बताया था कि जब पहले पुराने जमाने में होता था ना कि घर के चीजों से बनाओ, वैसे घर की चीज कोई खराब भी नहीं होता ना, आपको पता ही है, देखो कितना ग्लो कर रहा है। और मैंने मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया, ये देखिए कितना ग्लो कर रहा है, जस्ट मैंने मुंह धो के आपके पास आई हूँ। और देखिए, और ये पैक का, फेस पैक का कितना बड़ा ग्लो आया हुआ है, कितना अच्छा है। ये बच्चे भी लगा सकते, बड़े भी लगा सकते, बॉयस भी लगा सकते, इसमें कोई वो नहीं है। तो बस, तो मैं आप थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, आज कुणाल का यार बुक लेने जाना है, तो कुणाल का शाम को बुक लेने जाएंगे, बस यही है काम। और ये देखिए रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपने ऐसे पैक बना, नीम वाला आपके पास पैक नहीं है तो मुदानी मिट्टी नहीं होती वो डाल के पैक बना लेना। तो एलोवेरा जेल तो होता ही आपके पास, खीरे तो ऑलरेडी गर्मियों में तो सभी के घर में होते हैं। तो चलिए
बाद में शाम को आपसे मिलेंगे। गाय जैसे कि मैं रेडी हो गई हूँ, अब हम जाने लगे मार्केट कुणाल का बुक लेने के लिए। और जैसे कि गाय शाम के बजे हैं 5, तो चलो कुणाल। गाय जैसे कि कुणाल रेडी हो गया है, अब हम जा रहे हैं मार्केट और कुणाल के लिए बुक लेने, +1 के बुक लेने जा रहे हैं। तो चलो चलते, गर्मी बहुत ज्यादा है यार, बहुत ही ज्यादा, तो चले चलते। गाइस जैसे कि हम कुणाल के बुक लेके आ गए हुए हैं, और वहां पर जहाँ से बुक लेना था ना यार, बहुत ही भीड़ था और बहुत ही ज्यादा, और मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि +1 के बच्चों ने काफी बुक लेने थे और एक ही जगह में बुक मिलता है, और काफी वो बड़ा दुकान था और हर एक मतलब बुक मिल जाता है, तो लोग काफी भीड़ थे, उस करके मैं बना नहीं पाई। फटाफट मतलब आने की हमने किया कि जल्दी किया, हम 5 बजे गए थे, 6 बजे आए, और इस करके। तो अब कुणाल का वैसे भी एग्जाम मतलब हो गया है 10th का, और रिजल्ट अभी आया नहीं है, फिर भी हमने मतलब बुक्स वगैरह लेके आए, मैम ने बोला था। तो और स्कूल रेगुलर जा रहा है अभी, क्योंकि अब देखो छुट्टियां कब पड़ती हैं बच्चों की, तो अभी तो जा रहा है। तो चलिए गाइस, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलूंगी, तो चलिए ओके। जैसे कि गाइस कुणाल के बुक लेने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई, फिर मैंने कुछ ड्रिंक वगैरह बनाया पिया, अब हो गई काफी टाइम भी हो गया, अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, रात का डिनर बनाने जा रही हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया ना हमें, तो इस करके अभी बनाने जा रही हूँ। गाइस मैंने सुबह करेले काटा हुआ था, फटाफट करेले बनाऊंगी, करेले की भुर्जी और दाल चावल, और दाल के साथ और चावल के साथ करेले की भुर्जी ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा, तो बस यही है। तो चलिए किचन में चलते हैं। जैसे कि हम किचन पर आ गए, ये देखिए ये करेला मैंने बारीक बारीक काट लिया था, धूप में सुखा लिया था, अब इसका मैं बनाऊंगी भुर्जी। और घर में किसी को करेला पसंद नहीं है, करेला मुझे पसंद है और मुझे अच्छा लगता है करेला खाना, सब्जी भरा हुआ भुर्जी दाल के साथ, चावल के साथ, आय हाय, आप भी बना के देखना, दाल चावल करेला खाना इतना टेस्टी होगा ना। मैं फटाफट बनाती हूँ, बनाने के बाद मैं आपसे मिलूंगी, क्योंकि गर्मी भी लगेगी तो चलिए। जैसे कि गाइस मैंने खाना बना लिया हुआ, और मैंने भूख बहुत ज्यादा लगी थी, तो मैंने सोचा फटाफट खा लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने करेले बनाया भुर्जी, ये दाल देखिए, और दाल कितना बढ़िया देसी घी डाला है, नाल सैलेड मिर्च और चावल, अब हम खाएंगे इसको, निपटाएंगे, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। और ये देखिए इसको रखेंगे साइड में गाइस, दाल रखेंगे कहते हैं सॉरी डालेंगे, ये देखिए गाइस, और कितना बढ़िया, ये देखिए दोनों मिक्स दाल और करेले, बहुत यम्मी बनी हुई है, अच्छा बना हुआ, बहुत टेस्टी। तो मैं फटाफट निपटा लेती हूँ, खा लेती हूँ, खाने के बाद मैं आपसे मिलूंगी गाइस। जैसे कि गाइस मैं शाम को खाना जल्दी खा लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं पहले से मेरा आदत है, और वॉक करने चली जाती हूँ, फिर मैं आके फिर जब भी सोना है एक गिलास दूध पी के बस पेट फुल, क्योंकि पहले उसी टाइम खाना सही नहीं है, पहले ही खाना सही है, हम 2-3 घंटे पहले खा लेते सोने से पहले 3 घंटे, फिर हम फिट रहते, जैसे मैं फिट हूँ, ये देखिए फिट हूँ ना। तो चलिए मेरी फ्रेंड वेट कर रही है नीचे, वो कह रही होगी अभी तक नहीं आई, तो चले चलते हैं। गाइस जैसे कि हम आ गए हैं वॉक करने के लिए, ये देखिए लाइट वगैरह इतना अच्छा चल रहा है, देखिए लो बहुत है, मतलब उजाला बहुत है, ये देखिए। और इधर मेरे फ्रेंड है, इधर अभी आए, थोड़ी देर ही हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अभी करते हैं फिर आपसे हम मिलेंगे। तो इस ये देखिए गाइस, और ये पेड़ इतना अच्छा लग रहा है, इसमें ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई पेड़ के अंदर, ये देखिए जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए मैं आपका, आप बोला, मैंने बोला कि चलो आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया है, उधर भी देखिए। तो चलिए वॉक कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। गाइस जैसे कि मैं आ गई हूँ, ऊपर हूँ, अब बालकनी में हूँ, ये देखिए, और बाहर से व्यू कितना अच्छा लगता है, और लाइट वगैरह ग्रीन ग्रीन कितना बढ़िया लगता है, ये देखिए लुक, ये सारा हमारी कॉलोनी है, ये देखिए उधर भी इधर भी,
और 9 बज गए हमें वॉक करते करते, और गर्मी भी लग रही है। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर कहते हैं रूम में। गाइस जैसे कि मैं अंदर आ गई, और अंदर आके गाइस इतना गर्मी लग रहा है ना, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैंने फैन बंद कर दिए। बाहर ठंडा था मौसम, और जैसे कि गाइस मैं नाइट को जैसे कि वॉक करने जाती हूँ, तो मैं डिनर करके जाती हूँ। पहले आके करो वॉक करने के बाद, फिर फायदा कुछ नहीं इतना देर वॉक करने का। 9 बज गए रात के, और ऐसे अब मैं बस थक गई हूँ थोड़ी, मैं हाथ मुंह धोऊंगी, उसके बाद 10 बजे कि तो 10:30 बजे एक गिलास दूध पी के सो जो बस। आपने भी ऐसे ऐसे करती हूँ मैं, जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी खाना खा लेती हूँ। 7:30 बजे भी खा लेती हूँ, 7 बजे भी खा लेती हूँ, 8 बजे भी खा लेती हूँ, जितनी जल्दी खाना मेरा रेडी हो उतनी जल्दी मैं खाना खा लेती हूँ। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा। एक लाल सी बटन है यार, उसको क्लिक कर दो, दाब दो, बस सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, गुड नाइट, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। बाय।